Welcome to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good, guys. I'm back with another haul video and आज मैं आपसे share करने वाली हूँ Josh India online shopping review. So Josh India एक online shopping website है जहाँ पर आपको designer sarees, lehengas and सलवार suit, designer gowns जैसे ethnic wear कपड़े मिलेंगे. So Josh India से मैंने यहाँ पे pick किया है दो simple and classy साड़ी. मैंने कुछ simple pick किया है क्योंकि मुझे daily use के लिए कुछ चाहिए थी. उनके website में आपको बहुत सारे पार्टी वेयर ऑप्शंस मिलेंगे, सो आप एक बार वो जरूर चेक कर ले. एंड मैंने कुछ सिंपल वेयर मंगाया है एंड मैंने सोचा अगर ये मुझे पसंद आती है ये साड़ियाँ तो मैं पार्टी वेयर भी इनके यहाँ से डेफिनेटली बाय करूंगी. सो ये जो साड़ियाँ हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो मुझे पसंद आई ना आई. उससे पहले मैं बता दूँ कि Josh इंडिया में COD अवेलेबल है एंड 7 days रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है एंड ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, तो अगर इंडिया के बाहर किसी को मंगाना है तो वो भी एक बार चेक कर सकते हैं. सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार जाके चेक कर ले. सो दो साड़ियां मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं एंड चलो वीडियो शुरू करते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. सो मेरी फर्स्ट साड़ी है ये बहुत ही खूबसूरत सी वाइट एंड ब्लैक कलर की ये साड़ी, जो कि मैं बहुत टाइम से मिंत्रा पे ढूंढ रही थी बट मुझे इस टाइप का कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुझे एक वाइट कलर की सिंपल सी साड़ी चाहिए थी जिसे मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में स्टाइल कर सकूं, लाइक ब्लेजर और स्वेटर विंटर के लिए. सो मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है जिसपे कि ये थ्रेड पूरी थ्रेडवर्क की वर्क है. आप देख सकते हैं क्वालिटी भी आपको कैमरे पर नजर आएगी कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा औसम है. पूरी थ्रेडवर्क की हुई है यहाँ पे एंड बर्ड्स बने हैं. सो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट साड़ी है ये क्योंकि ये चंदेरी सिल्क मटेरियल है एंड मटेरियल बहुत ही सुपर फाइन है. कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज्यादा खूबसूरत ये साड़ी लग रही है एंड नीचे की ओर एक सिल्वर लाइनिंग है कुछ इस तरीके से. सो ये सिल्वर बॉर्डर आपको मिलेगी एंड मैं क्वालिटी बिल्कुल सामने से आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि चंदेरी सिल्क मटेरियल है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये साड़ी है. एंड ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ईजिली आप इसे वेयर कर सकते हो. मेरी तरह लाइक जिनको भारी साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है उनके लिए साड़ी परफेक्ट है, जो थोड़ा सा यू नो कॉटन काइंड ऑफ और बहुत ही क्लासिक लुक वाला साड़ी चाहते हैं, जो थोड़ा सा लाइट वेट साड़ी चाहते हैं एंड इस टाइप का कुछ पहनना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम उसे भारी साड़ी नहीं संभाली जाती मेरी तरह, तो उनके लिए साड़ी परफेक्ट है. सो साड़ी की अगर लेंथ की बात करूँ मैं तो लेंथ बिल्कुल भी परफेक्ट है, मुझे लेंथ में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई. एंड यहाँ पे आप जहाँ हाफ हाफ डिज़ाइन है यहाँ पे जहाँ पे आप प्लेट्स बनाते हो एंड ये एक तरफ से प्लेन है. सो इसके साथ आती है एक कलरफुल ब्लाउज जो कि इस साड़ी के और भी प्लस पॉइंट है. सो इसके साथ आती है ये बहुत ही खूबसूरत सी कलरफुल ब्लाउज जो कि आप देख सकते हैं कि अगर ये स्टिच हो जाए साथ में इस साड़ी के साथ तो ये क्या गॉर्जियस लुक देगी. आप ही सोच लो कि ये क्या लगेगी जब ये साथ में स्टिच हो जाएगी. ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गॉर्जियस साड़ी है, ट्रस्ट में मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. मटेरियल भी बहुत ही औसम है एंड इसका मटेरियल बनारसी सिल्क है. मुझे लगती है कि इसका ब्लाउज का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा आई गेस कम है, फुल स्लीव्स नहीं बन पाएगा इसमें, इसमें हाफ स्लीव्स आराम से बन जाएगा. मटेरियल बस इतना ही है, मैं आपको दिखा दूं बस इतनी ही इसकी चौड़ाई है. ये डबल है एंड मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके दिखाती हूं, तो चौड़ाई इसकी इतनी है एंड लंबाई मैं आपको दिखाती हूं कुछ इतनी लंबाई है. सो फुल स्लीव्स मुझे थोड़ा डाउट है कि इस पर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट हाफ स्लीव्स में ये ब्लाउज बन जाएगी एंड ये जब बनेगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी. और सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार जाके वहाँ पे डिटेल में चेक करें. वहाँ पे आपको मटेरियल एंड कितनी लेंथ है ब्लाउज की, कितना मटेरियल है, कितना साड़ी का लेंथ है, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, तो एक बार आप वो चेक करें तभी बाय करें. like you, be strong, to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Bye. Until I broke the rules, my life destroyed. नेक्स्ट साड़ी इज दिस जिसको आप ऑलरेडी मेरे इंस्टा पे देख चुके हैं, मैं पिक ऑलरेडी लगा चुकी हूँ उस साड़ी का कि कितना ब्यूटीफुल साड़ी है. मटेरियल अगेन चंदेरी सिल्क है, बहुत ही सुपर फाइन एंड सॉफ्ट मटेरियल है. मटेरियल को मैं एक बार क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए. एंड कुछ इस तरीके से प्रिंट्स बनी हुई है, एक बार आप प्रिंट्स आराम से देख लें.
सो कुछ इस तरीके से प्रिंट बनी हुई है एंड कुछ इस तरीके की ये साड़ी है. चंदेरी सिल्क है तो कॉटन एंड सिल्क दोनों की जो कॉम्बाइन चंदेरी सिल्क है. सो मटेरियल मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई एंड बहुत ही लाइट वेट है. लाइक मैं फिर से कहूँगी, जिनको भी हेवी साड़ी नहीं संभाली जाती है उनके लिए साड़ी परफेक्ट है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड येलो मेरा फेवरेट कलर है सो मुझे ये ज़्यादा पसंद आई. बट वो वाइट वाला भी बहुत ही खूबसूरत है, अगर उसकी ब्लाउज बन जाती है तो बहुत अच्छी लगती है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है जो टीचिंग लाइन में है, जो टीचर्स है जिनको डेली साड़ी वेयर करना कंपलसरी है, उनके लिए ये दोनों साड़ियाँ बहुत ही परफेक्ट है. आप स्टाइलिश ब्लाउज सिला सकते हैं एंड इसे बहुत तरीके से स्टाइल करके भी आप वेयर कर सकते हैं. एंड उसके साथ जो ब्लाउज आती है वो मेरी फेवरेट है. अगेन मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है बट बहुत जल्दी मैं कराऊंगी. सो कुछ इस तरीके का ब्लाउज मटेरियल है एंड आप थ्रेड वर्क देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क की हुई है जो कि मैं आपको बहुत ही क्लोजअप से दिखा रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है. सो कुछ इस तरीके एंड इसकी लेंथ इतनी है. सो मुझे थोड़ी सी डाउट है कि इसमें फुल स्लीव शायद ना बन पाए बट हाफ स्लीव्स के साथ भी ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है. एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी एंड ब्लाउज के साथ कॉम्बाइन करके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. मटेरियल इसका भगलपुरी सिल्क है एंड इसका चंदेरी सिल्क. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड ये एक है और मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कि दोनों में से कौन. सो मैं दोनों आपको दिखाती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं कि दोनों साड़ियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी. सो कुछ इस तरीके से दोनों साड़ी है एंड यस ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड ये भी बहुत खूबसूरत है. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. दोनों साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई. आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी. एंड हाँ, सिर्फ ब्लाउज पीस जो है वो फुल स्लीव्स नहीं बन पाएगी, बस ये मुझे चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी. अगर फुल स्लीव बन पाती तो ये और ज़्यादा गॉर्जियस लगती, बट इतना या इतना स्लीव्स के साथ भी मैनेज कर सकते हैं. सो ये दोनों साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड ये सच में बहुत ही क्लासी एंड बहुत ही अमेजिंग है. क्वालिटी वाइज एंड सब कुछ इनका बहुत ऑसम है. मैं अब इन फ्यूचर इनका पार्टी वेयर ज़रूर ट्राई करूंगी. एंड आपको कैसी लगी, कौन सी साड़ी अच्छी लगी, आप वीडियो में कमेंट पर मुझे ज़रूर से बताएं. एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइस.